लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन जिंदड़ी दा सेवन दाश खिशाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक सिंधपिल में। आपका दोस्त अभिषेक, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वर ज्ञान की समझ को कैसे बढ़ाएं ताकि धीरे धीरे करके गाने खुद से हारमोनियम पे निकलने लगें, बजने लगें, उसका तरीका क्या है, किस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग गानों को खुद से निकालने बजाने लगो, तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्वर ज्ञान की समझ को बढ़ाने के लिए आप लोग अलंकार थाट रागों का तो प्रैक्टिस करिए ही करिए, साथ साथ में अगर आप लोग चाहते हो कि स्वर ज्ञान की समझ जल्दी बढ़े, गानों को खुद से निकालने बजाने लगूँ, तो कुछ चीज़ों को खुद से भी करना पड़ेगा। अब खुद से करने का मतलब क्या है, जैसे आप अलंकार थाट राग तो सीख ही रहे हैं, उनका अच्छे से प्रैक्टिस अभ्यास कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप लोग क्या करिए, गानों को सुनिए, जो आपके फेवरेट गाने हैं उन गानों को खुद से निकालने की कोशिश करिए, खुद से निकालने की ढूंढने की प्रैक्टिस करिए। अब नए लोगों को समझ में नहीं आता है कि गानों को खुद से ढूंढने तो कैसे ढूंढें, कैसे निकालें, इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करें ताकि स्वर ज्ञान की समझ भी बढ़े और गाने भी खुद से निकलने बजने लगें। तो आओ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग स्टार्टिंग में गानों को ढूंढो, निकालो, प्रैक्टिस करो, बजाओ ताकि स्वर ज्ञान की समझ बढ़े और गानों को भी थोड़ा बहुत खुद से निकालने बजाने लगो। जैसे मान लो आपका कोई भी गाना बहुत ही फेवरेट है और वो गाना आपको अच्छे से याद है, उसकी एक लिरिक्स एक धुन आपके दिमाग में बैठी अच्छे से, अब आप लोग क्या करो, उस गाने को खुद से निकालने की ट्राई करो। कैसे निकालोगे थोड़ा देखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आएँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एक धुन लेता हूँ, जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुँह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। जैसे मान लो ये गाना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझना है कि गानों को ढूंढना खुद से कैसे, निकालना कैसे है। अब इस गाने को मान लो आपको निकालना है, ढूंढना है, बजाना है, तो अब हम लोग मान लो एकदम नए हैं, मेरे को कुछ पता नहीं कि इस गाने में कौन कौन सुर लगे हैं, कौन कौन से नोट लगे हैं, गाना कैसे बजेगा, कहाँ से बजेगा, कहाँ से मैंने गाया है, कैसे पकड़ेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीका है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ का ध्यान देना है। क्या? सबसे पहले आपको इस चीज़ को ढूंढ लेना है कि आपने उस गाने को गाया कहाँ से है। अब उस चीज़ को कैसे पकड़ोगे, उसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या है? गाने का जो पहला शब्द है, कोई भी गाना हो, जो भी गाना आप निकालना चाहते हो, यही तरीका, यही ट्रिक आप हर गाने में लगा सकते हो। जो भी गाना आप हारमोनियम पे बजाना, ढूंढना, निकालना चाहते हो, उस गाने का पहला शब्द है उसको क्या करिए, गले से गाइए। जैसे मैंने जो गाना भी गाया, इस गाने का पहला शब्द क्या है, उड़ जा, ओ उड़ जा। अब ये गाने का पहला शब्द है, अब इसकी आवाज़ क्या बनी, उड़ जा, इस शब्द की आवाज़ क्या बनी, धुन क्या बनी, इसे देखना, आ आ। अब ये आवाज़ बन रही है, अब ये आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, जिस स्वर पे, जिस बटन पे ये आवाज़ मैच कर जाए, यानी गाना ये मैंने वहीं से गाया है और गाना यहीं से बजेगा, जैसे देखना, ओड़े जा आ, ओड़े जा ओ, आवाज कहाँ मैच कर रही है, यहाँ पे, यानी कि मैंने गाने को यहाँ से गाया है, मिल गया गाने का स्टार्टिंग पॉइंट, मिल गया, कितना आसान था, क्या करना है ध्यान से भी समझ लो। आप इसी ट्रिक को, इसी तरीके को हर गाने में लगा सकते हो, जो गाना आप निकालना चाहते हो। क्या करना है, गाने को पहले अच्छे सुनना है, सुनने के बाद गाने का जो गाने का पहला शब्द है उसको गले से गाना है, और उस अक्षर उस शब्द को गले से गाना है, उसको एक जगह पे होल्ड करके रोकना है, उसके बाद इन स्वरों पे ढूंढना मिलाना है, जिस स्वर पे, जिस बटन पे वो आवाज़ में जो स्वर मैच कर जाए, आपने गाने को वहीं से गाया है और वो गाना आपका वहीं से बजेगा। मैंने भी उसी प्रकार से आपको मैंने ढूंढ के भी दिखाया, जैसे इस गाने का पहला शब्द था उड़ जा, तो ये उड़ जा शब्द कहाँ पे मिला, यहाँ पे, यानी कि ये गाना यहाँ से मैंने गाया है, गाना आपका यहीं से बजेगा। आपको गाने का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पकड़ना आ गया। अब जो आपके गाने के आगे की लाइनें हैं, शब्द हैं, धुन है, उसको आप लोग कैसे ढूंढोगे,
क्या तरीका है और हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है, वीडियो को बस पूरा जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये तरीके को अच्छे समझ लिया और अगर आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो जरूर चीज़ों को करने लगोगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। उड़ जा अब पूरा उड़ जा शब्द आपका एक ही सौ रुपये बज रहा है। उड़ जा काले ले ले, अब ले अक्षर की धुन है वो इस स्वर से हल्का ऊपर जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्वर से हल्का ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। जैसे देखना, उड़ जा काले, कौन स्वर मैच कर रहा है आवाज़ में, ये स्वर मैच कर रहा है। अब इस स्वर से काले की धुन है वो नीचे की तरफ आ रही, गाने की धुन को फिर सुनना। जैसे देखना, उड़ जा काले ले ले, यानी कि इस स्वर से नीचे की तरफ आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्वर से फिर नीचे की तरफ उतरेंगे। जैसे देखना, उड़ जा काले काले, अब काले शब्द में ये स्वर लग रहे हैं काले। अब उड़ जा काले, इतना शब्द गाने का मिल गया। आप लोग अलंकार थाट राग का भी प्रैक्टिस करो, साथ साथ में कुछ टाइम इस प्रकार से गानों को ढूंढने का भी दो। उड़ जा काले कावा कावा कावा, अब ये कावा शब्द की आवाज़ बन रही है, ये आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है, कावा, अब पूरा शब्द इसी स्वर पे बज रहा है। ऐसे देखना, उड़ जा काले कावा तेरे तेरे, अब ये आई की धुन बनी तेरे शब्द की। अब इस धुन में कौन कौन सो लगेंगे, कैसे ढूंढोगे, तो इसके पहले आवाज़ को समझो कि इसकी आवाज़ किधर जा रही है, तभी तो ढूंढ पाओगे। क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा गाने की आवाज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर धुन की आवाज़ ऊपर जा रही है तो आपको ऊपर की तरफ ढूंढना है, अगर धुन की आवाज़ नीचे की तरफ आ रही है तो आपको नीचे की तरफ ढूंढना है। तो पहले इसकी धुन को समझो कि इसकी धुन कहे जा रही है। इसे देखना, उड़ जा काले कावा तेरे तेरे, अब ये इसकी धुन इस स्वर से नीचे की तरफ आ रही है। उड़ जा काले कावा तेरे तेरे, कौन स्वर मैच कर रहा है आवाज में, ये यानी कि तेरे शब्द आपका यहां से बजेगा। जैसे देखना, उड़ जा काले कावा तेरे, अभी स्वर से अभी इसकी धुन और नीचे आ रही है। जैसे देखना, तेरे, कौन स्वर मैच कर रहा, ये वाला, उड़ जा काले कावा तेरे तेरे तेरे, अब तेरे शब्द में आपके ये सो लगेंगे तेरे। अब देखा, उड़ जा काले कावा तेरे, इतने शब्दों की धुन मिल गई। मुंह बिच खंड पावा, अब ये लाइन आगे की है, मुंह बिच, अब ये धुन बन रही, अब ये धुन कहाँ से बजेगी, ये आवाज कहाँ मैच कर रही है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ से बजेगा। जैसे देखना, मुंह बिच कौन सा आवाज मैच कर रहा है, ये सुर, यानी कि ये दो स्वर लगेंगे, ये बीच के स्वर नहीं लगेंगे। मिल गया, ऐसे देखना, मुँह बिच खंड पावा, खंड ड ड खंड पावा पावा, अब ये आवाज़ हल्का ऊपर जा रही है, पावा 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 पावा, अब पावा में ये स्वर लगेंगे, मुँह बिच खंड पावा, अब ये पूजन मिल गई। जैसे देखना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, तो देखा ये गाने की एक लाइन हम लोगों ने ढूंढा, कैसे ढूंढा, गाने को गाया साथ साथ में, उसके बाद उस आवाज को इन स्वरों पे मिलाया। आपको क्या करना है, आपको अलंकार थाट राग का तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो, आप लोग उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस रोज करो और साथ साथ में इस प्रकार से गानों को सुनो और इस प्रकार से गानों को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप लोग रोज़ इस प्रकार से अलंकार थाट राग भी बजाओगे और साथ साथ में इस प्रकार से गानों को खुद से ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप लोग धीरे धीरे करके आपकी स्वर ज्ञान की भी समझ बढ़ेगी और आप लोग धीरे धीरे करके गानों को भी निकालने बजाने
लगोगे, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस अभ्यास से ही होता है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। इसके आगे का जो गाना है उस गाने को इसी प्रकार से अपने हाथ से निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी जानकारी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।